अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अपेक्षा करती हूँ कि सब सुरक्षित होंगे। मैं आपसे आज कुछ प्रश्न पूछूंगी, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवार का अर्थ क्या है? परिवार मीन्स व्हाट? परिवार का अर्थ क्या है बच्चों? फैमिली। फैमिली यानी परिवार भी कितने प्रकार के होते हैं? परिवार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक संयुक्त परिवार, एक छोटा परिवार। संयुक्त परिवार को क्या कहेंगे हम? ज्वाइंट फैमिली। क्या कहेंगे? ज्वाइंट फैमिली। ये न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल फैमिली। क्या है? संयुक्त परिवार में जिस परिवार में नाना, दादा, दादी, चाचा, चाची, माता, पिता, ये सारे सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। सब मिलजुल कर रहने के परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। छोटा परिवार यानी स्मॉल फैमिली, सिर्फ इसमें कौन कौन रहते हैं? माता, पिता, बच्चे, सिर्फ यही लोग, तो इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। अब इस इन प्रश्नों से आपको क्या समझ में आया, इसका अर्थ क्या है? आज का हमारा शीर्षक क्या हो सकता है बच्चों? आज का हमारा शीर्षक पार्ट टू बचपन। क्या है? पार्ट टू बचपन। बचपन पार्ट की लेखिका कौन है? बचपन पार्ट की लेखिका कौन है यहाँ पर? कृष्णा सोपति। कौन है बचपन पार्ट की लेखिका? कृष्णा सोपति है। हाँ तो बच्चों, पेज नंबर 6 पर पार्ट टू बचपन, यहाँ पर बचपन का चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें एक बूढ़ी औरत बच्चे साथ में दिखाई दे रहे हैं। बूढ़ी औरत कौन है? अनुमान लगाइए यानी अंदाजा लगाइए। अनुमान का अर्थ क्या है? गेस कीजिए। अनुमान मीन्स गेस। तो यहाँ पर एक दादी अपने बच्चों को कहानियां सुनाती दिखाई दे रही है। क्या कर रही है? कहानियां सुनाती दिखाई दे रही है। चित्र में दादी बच्चों को कहानियां सुनाती दिखाई दे रही है। बचपन पार्ट में लेखिका कृष्णा सोपति हमें अपने बचपन की ओर ले जाती है। कौन ले जाती है? कृष्णा सोपति अपने बचपन की ओर, यानी उनका बचपन कैसा बीता उस बारे में हमें सुनाने जा रही है। वो बचपन कहानी के माध्यम से यानी उसके जरिए से, उस कहानी के थ्रू। माध्यम का क्या है ना? माध्यम यानी जरिए से, कहानी के थ्रू। तो कहानियों के द्वारा, कहानी के जरिए हमें अपने बचपन के समय और वर्तमान समय के बीच आए अंतर को बता रही है। बचपन का समय और वर्तमान समय। वर्तमान समय का अर्थ क्या है यहाँ पर? वर्तमान मीन्स प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान क्या है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है, यानी काल, समय। तो काल, हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं। क्या है? हिंदी में कितने प्रकार के काल होते हैं? काल तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। वे कौन कौन से हैं देखिए आप। वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। तो काल का अर्थ क्या है यहाँ पर? समय। काल का अर्थ क्या है? समय कहलाता है। काल मीन्स समय, काल मीन्स टाइम। तो वर्तमान काल क्या है? प्रेजेंट टेंस है। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस, भूतकाल में फ्यूचर टेंस, भूतकाल में। तो वर्तमान काल, भविष्यकाल, भूतकाल। हमारे काल, हिंदी के कितने काल हैं? तीन प्रकार के काल हैं। पास्ट टेंस यानी क्या? भूतकाल, भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। तो दादी हमें अपना बीता हुआ कल बताते हुए हमें आज के समय के
अंतर कितने अंतर आए हैं आज और कल के बीच में, हमारे कितना अंतर आया यानी कितना डिफरेंस आया है वो बताना चाह रही है। बचपन के समय और वर्तमान के समय, दादी के बचपन का समय और आज का समय यानी वर्तमान समय में कितना डिफरेंस आया, कितना अंतर आया है वो हमें बताना चाह रही है। तो क्या क्या अंतर है देखिए आप, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन में आए परिवर्तन लेखिका बता रही है। वेशभूषा यानी हमारे ड्रेसिंग सेंस, क्या है वेशभूषा, वेशभूषा यानी हमारे ड्रेसिंग सेंस, हमारे खान पान खाने पीने का, हमारे खाने के डिशेस भी बदल गए, खान पान और रहन सहन। तो दादी के समय और हमारे समय में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर आया है वेशभूषा ने, जबकि ड्रेसिंग सेंस अलग थे, आज का अलग है। अब आज क्या है, पुराने जमाने में दादी के समय में क्या था, लहंगा चोली था, यानी चुनरी वाला यानी फिल्टों वाला फ्रॉक पहनते थे वो लोग, चूड़ीदार पैजामे लॉन्ग कुर्ते पहनते थे। लेकिन आज क्या क्या है, जैकेट्स है, टॉप है, लेगिंग्स है, जीन्स है, यही डिफरेंसेस है। खान पान में भी क्या है, पहले ज़माने में लोग घर के बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा, व्यंजनों को महत्व देते थे, बाहर की चीज़ें कोई नहीं खाते थे। अब आज का समय वर्तमान समय में हम सब सारी चीज़ें बाहर से खाते हैं। आज सबके पसंदीदा यानी सबके फेवरेट व्यंजन यानी रेसिपीज क्या है, वो तो क्या है, बाहर की चीज़ों में बर्गर है, पिज्ज़ा है, सारी बाहर की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। आज का समय कल का समय, बर्गर क्या क्या है यहाँ पर, बर्गर पिज़्ज़ा ये सारे हमारे पसंदीदा यानी हमारे अपने फेवरेट चीज़ें हैं। पहले ज़माने में क्या था, छोटे मोटे चॉकलेट्स रहते थे, घर पर बनाए हुए डिशेस यानी व्यंजनों को सब पसंद करते थे, पसंदीदा। तो ये डिफरेंस बताने वाली है हम। रहन सहन भी क्या था, पहले क्या था, घर बड़ा रहता था, झाड़ लगे हुए रहते थे, आंगन रहता था। अब आजकल के अपार्टमेंट्स में रहने लगे सब, क्या रहने लगे, अपार्टमेंट्स में रहने लगे यानी बिल्कुल छोटी सी जगह पर हम रहने लगे, जिसमें हवा पानी धूप छांव ये सब कुछ भी हमें अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या है, डिफरेंसेस आते चले गए जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास डिफरेंस आते गए। शताब्दी का क्या है भाई, बोलिए, शताब्दी यानी सेंचुरी, क्या है, समझ में आया बच्चों? तो हमारे और दादी के जमाने के बीच का अंतर